देखिए, हेमकुंड साहब की यात्रा की अभी कोई तारीख है वो निश्चित नहीं हुई। हमारा ये रूटीन चक्कर था श्री हेमकुंड साहब में, हम लोग रात ही वापस आए हैं। और अभी भी अटला कोड़ी वाला ग्लेशियर है जो तकरीबन 100 से 150 फुट लंबा है और 20 से 25 फुट तक ऊंचाई है उसकी, और नीचे को भी कम से कम ये घाघरिया से थोड़ा ऊपर तक है, मान लीजिए कि 1-1.5 किलोमीटर लंबाई में ज्यों का त्यों ही है। और हेमकुंड साहब के चौगिरदे में भी 3 से लेकर 5 फुट तक बर्फ़ है, पूरा सरोवर है जो फ्रीज हो रखा है, बिल्कुल जमा हुआ है, और चौगिरदे में सारे में बर्फ़ है, और नीचे का रास्ता है जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक वो भी 2 से लेकर 5 फुट बर्फ़ से ढका हुआ है। हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खुलते हैं तो किस तरह से वहाँ पे क्या जो आपका जरूरी होता है वो होगा वहाँ पे, ये कौन से टाइम का होता है? देखिए, हेमकुंड साहब की कपाट खुलने की तिथि अभी कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ट्रस्ट द्वारा कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। हाँ, रही बात निशान साहब की, वो हमारे पास पर्याप्त स्टाफ है गोविंद घाट में, तो निशान साहब जो चेंज होते हैं जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक में, तो निशान साहब के चोले सभी गुरुद्वारा साहब के चेंज किए जाएंगे, और हमें आशा भी है कि वाहेगुरु हमारे पे अपनी कृपा रखेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती आ रही है कि चोटियों पे भी निशान साहब जो लगे हैं, 7 निशान साहब जो हेमकुंड साहब का एक आइडेंटिटी है, तो उनको भी चेंज किया जाएगा। देखिए, बर्फ़ पिछले साल से ज़्यादा तो है ही है, लेकिन इस साल मूवमेंट नहीं है क्योंकि यात्रा नहीं है, तो बर्फ़ काफ़ी मात्रा में अभी जमी हुई है। अगर मूवमेंट होती तो बर्फ़ ने काफ़ी हद तक नेचुरली पगड़ जाना था, बट मूवमेंट ना होने के कारण, यात्रा ना चलने के कारण सारा ही हेमकुंड साहब का चौगिरदा अभी पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। मान लीजिए कि ऐसे है कि एक स्वर्गीय जगह बनी हुई है वो।